आज पहेली से शुरू करते हैं। मैं आपको दो साउंड सुनाऊंगा, आपको बताना है कि वो साउंड्स आपको किसकी याद दिलाते हैं। पहला साउंड, रेडी? चाय गरम चाय गरम चाय चाय चाय। दूसरा साउंड, कटलेस 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 कटलेस। रेलवेज की याद दिलाते हैं ना, तो चाय गरम तो हम बना चुके हैं, अब कटलेस बनाते हैं, रेलवे कटलेट्स म्यूजिक के बाद। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार, और रेलवे कटलेट्स बनाने के लिए आपको चाहिए एक ट्रेन का डब्बा और एक बढ़िया सी ट्रेन जर्नी। अब वो तो हमारे पास है नहीं, रेसिपी है, तो रेसिपी दे देता हूं आपको। हो गड्डी जानदी है। देखो जी, रेसिपी बड़ी सिंपल है, कम मेहनत वाली भी है और ज़्यादा मेहनत वाली भी है। कम मेहनत वाली ये है कि एक ग्रेटर लें, मोटा वाला कद्दूकश, सारी सब्जियां उसमें कद्दूकश करें, ग्रेट करें और उसको भून लें। मेहनत वाली रेसिपी ये है कि एक नाइफ लें, गाजर के ऊपर ऐसे ऐसे करके चलाएं, गाजर के स्लाइस करें, स्लाइस करने के बाद फिर से नाइफ को गाजर के ऊपर ऐसे ऐसे चलाएं। देखो जी, एक बात बताऊं आपको, देर आर 5 सिंबल हैं ऐसे ट्रेन के, ट्रेन जर्नी के, भाई जिसको पता है उसको पता है। एक सिंबल तो है चप्पल, है ना। हर ट्रेन जर्नी में हर 6 सीटों के बीच में एक जोड़ी चप्पल ऐसी होती है जिसे सब इस्तेमाल करते हैं बाथरूम जाने के, और किसी को नहीं पता होता कि वो किसकी है। दूसरा है जंजीर, हर कोई जो है सबसे पहले एक बढ़िया सी जंजीर ढूंढता है अपने सामान को बांधने के लिए, और रात को सोते टाइम किसी को होश नहीं रहता। तीसरी चीज है न्यूज़पेपर, हर कोई एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर साथ में लेके चलता है कि भाई वो बर्थ के ऊपर न्यूज़पेपर बिछाना है, उसके ऊपर सामान रख के खाना खाना है, तो एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर ले लो, है कि नहीं, है ना, है कि नहीं, है ना, है? और चौथी चीज है वो कटर 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 करके जो प्रिंट आउट निकलता है वो वेटिंग लिस्ट। हर किसी की जान सूखी रहती है डब्बे में, वो वेट करता है कब वेटिंग लिस्ट लगे और कब मैं ऐसे करके देखूंगा भाई कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, एटलीस्ट आर ए सी तो हो गया है। दैट इज ट्रेन जर्नी। और पांचवी चीज है वो ऐसे करके उठने वाले नल है, और 30 सेकंड का टाइम और खाली बोतल, जब भागो फटाफट से नल भरो, इधर से नल चल रहा होता है उधर से ट्रेन पे नजर होती है कि भाई ट्रेन ना छूट जाए। फॉर मी दैट इज व्हाट इंडियन ट्रेन जर्नीज रियली आर। जो असली रोमांस है इंडियन ट्रेन जर्नीज का वो है कि नहीं। तो दो किस्म के कुक्स थे जिन्होंने ज्यादातर कॉन्टिनेंटल खाना सीखा अंग्रेजों से। एक थे बंगाल के कुक्स, खासतौर ईस्ट बंगाल के, चित्तगंग एरिया के, तो काफी हद तक बंगाली इन्फ्लुएंस है डिशेज में, जैसे कि जो रेलवे मटन करी हम लोग बोलते हैं आलू डाल के, वो एक बंगाली इन्फ्लुएंस है, और स्टूज जो हैं उनमें एक बंगाली इन्फ्लुएंस है। दूसरे कुक्स जो थे जिन्होंने अंग्रेजी खाना अंग्रेजों से सीखा वो दक्षिण भारत के कुक्स थे, और ये कटलेट जो है इसमें वो दक्षिण भारत का इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जाम्पल बीट रूट दक्षिण भारत में बहुत इस्तेमाल होता है, और वो बीट रूट कटलेट में लेके आना। तो बिटवीन द साउथ ऑफ इंडिया एंड द ईस्ट ऑफ इंडिया एंड द ब्रिटिशर्स, वहाँ पर कहीं हमारा जो जो ट्रेन का खाना है वो शुरू होता है। मुल्ले के तोनी सूप जो है, साउथ इंडियन सूप्स जो आज भी कई ट्रेनों पे मिलते हैं, देर ऑल फ्रॉम द साउथ। तो साउथ और ईस्ट, इंटरेस्टिंग है ना, रेलवेज के साथ साथ खाने की, हिंदुस्तान के कल्चर्स की, अंग्रेजों की कहानी, चाय की कहानी, सब जुड़ी हुई है। और लास्ट मिनट पे ग्रीन बीन्स, ग्रीन बीन्स और मटर हमेशा लास्ट में। लास्ट में क्यों, सबको पता है तो सब एक्सपर्ट हो गए, लास्ट में इसलिए कलर खराब हो जाएगा ना, ग्रीन कलर जल्दी खराब होता है हीट में। रंग देखिए आप, रंग रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। बीटरूट जरूर डाल दीजिए, क्योंकि वो रेलवे कटलेट में जब तक वो बीटरूट का हल्का हल्का कलर ना आए ना, तब तक वो रेलवे कटलेट है। तो होगा ये कि आप तो अपनी तरफ से बना देंगे कटलेट, रेलवे कटलेट,
लोग आएंगे खाएंगे बोलेंगे यार वैसी नहीं, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था बीट रूट, थोड़ी हल्दी, हल्दी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो भी चीज लंबी चलानी है उसमें हल्दी जरूरी है, हल्दी जो है वो कीटनाशक है, रेड चिली पाउडर थोड़ा सा, हेलो जी ये रंग और नूर की बारात देख लिया आपने, एक बार ये रंग और नूर की बारात रेडी हो जाए ना उसके बाद फिर इसमें डालने आलू। अब दो ऑप्शन है, अगर तो कटलेट को बहुत चलाना है, बहुत चलाना है मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं फ्रिज में बना के रख दूं और 3 दिन तक ख़राब ना हो, कुछ ऐसा जादू हो जाए, तो आलू के साथ फिर भूनिए कटलेट को। और अगर आप चाहते हैं कि भाई शाम को खानी है, सुबह मिक्सचर बना रही हूँ, शाम को पार्टी है या बना रहा हूँ मिक्सचर, तो भूनने की ज़रूरत नहीं है, आलू ऐसे ही लीजिए बॉयल्ड आलू में मिला लीजिए। एक और थ्योरी है बीटरूट डालने की, सच है या झूठ पता नहीं, बट वो ये है कि जब इस वेज कटलेट का इजाद हुआ तो अंग्रेज़ जो है वो मीट का कलर मिस करते थे, यू नो उनको सफ़ेद रंग समझ नहीं आता बिकॉज वो मीट कटलेट्स की उनको आदत थी, तो बीटरूट का जब हल्का हल्का पिंक आता था तो उनको लगता था कि नहीं नहीं ये कुछ जाना पहचाना सा है। भूनने से क्या हो रहा है, बाइंडिंग आ रही ना, दिख रहा है कि बाइंड हो रहा है, आलू जो है अपना पानी छोड़ रहा है, थोड़ा ठंडा करना है इसको, थोड़ा ठंडा करके फ्रिज में डाल देता हूँ, एक्चुअली फैला के डालता हूँ फ्रिज में, जल्दी होगा। ब्यूटी जो है ना उसकी, इसकी ब्यूटी इसका कलर है, ब्यूटी देखो जी। इसके साथ ना अब दो काम हो सकते हैं, या तो ये शैलो फ्राई हो सकता है या ये डीप फ्राई हो सकता है। अगर तो शैलो फ्राई करना है तो इतनी बाइंडिंग जो है वो बहुत है, ये देखिए शैलो फ्राइंग में ये नहीं फटेगा, देख रहे हो फर्स्ट क्लास बाइंडिंग है, चिपक नहीं रहा, ऑयल छोड़ रहा है, भुना हुआ है। लेकिन अगर डीप फ्राई करना है तो डीप फ्राई करने के लिए थोड़ा ब्रेड क्रम्ब डाल लेना अंदर, और ब्रेड क्रम्ब ब्राउन वाला, वो हाई फाइव वाला ब्रेड क्रम्ब नहीं डालना, उससे टेस्ट खराब हो जाएगा, ब्राउन ब्रेड क्रम्ब, होल ब्रेड का ब्रेड क्रम्ब। मैं शैलो फ्राई करूँगा जस्ट फॉर आपको दिखाने के लिए, थोड़ा सा डाल रहा हूँ मैं, और बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ धनिया हमेशा लास्ट में, मिक्सचर बना के रखिए और लास्ट में डालिए बारीक कटा हुआ धनिया। ये देखो जी एक बार आप टेक्सचर समझ लो, इतना टाइट होना चाहिए, और ये देखो छोड़ रहे हैं ना हाथ, तो ये क्रम्बिंग सेटअप मैंने कर लिया। क्रम्बिंग सेटअप के लिए सबसे पहले तो ये लिजाम है जिसके लिए मैंने मैदा, हल्की सी चिली, हल्का सा सॉल्ट और पानी, इसको कोटिंग कंसिस्टेंसी में मिक्स कर लिया, ठीक है। दूसरा ब्रेड क्रम है, और अब क्या है, अब ये दो हाथ हैं, ये हाथ जो है लिजाम के लिए और ये हाथ ब्रेड क्रम के लिए, ठीक है। तो ये हाथ लिजाम में जाएगा, ये ब्रेड क्रम में जाएगा, दोनों हाथ मिक्स नहीं होंगे, वरना आप बनाने जाएंगे रेलवे कटलेट, कटलेट आपके हाथ का बन जाएगा और इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगेगा नहीं, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। इसलिए दोनों हाथ साफ रखने के लिए और अच्छी क्रम्बिंग के लिए, एक हाथ लिजाम के लिए डेडिकेटेड रखिए और एक हाथ क्रम्बिंग के लिए, ठीक है जी। और कभी भी आप रेलवे केटरिंग में जाएंगे, आप देखेंगे कि लोग मशीन से भी फास्ट निकाल रहे हैं कटलेट, मतलब ये तो मैं यहाँ पे तसल्ली से लगा हुआ हूँ, वहाँ पे लोगों के दोनों हाथों में बन रही होती है कटलेट, और उतनी फास्ट मतलब मशीन भी क्या निकालेगी जितना फास्ट वहाँ पर लोग निकालते हैं कटलेट। अभी ये जो शेप है ना, इसको ये शेप समझना और देना बहुत ज़रूरी है जी, ठीक है। और ये ब्रेड क्रम के साथ ही देनी है शेप, वरना आधे में ब्रेड क्रम लगेगा, आधे में नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसको ऐसे कटलेट की शेप दे दे, और लग रही है ना वो कटलेट जो मिलती है। पैन एकदम से पहले थोड़ा गर्म करें, क्योंकि जब सारी कटलेट जाएंगे तो पैन ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इमामी हेल्दी एंड टेस्टी स्मार्ट बैलेंस ऑयल। और साइड से पकाने के लिए तेल को ऐसे घुमाते रहें।
नाइस, यादें ताज़ा हो गई रेल जर्नीज की। चलिए एक सवाल, ऐसा कौन सा काम है जो आप विदाउट टिकट कर सकते हैं? कटलेट खाना, इसके लिए टिकट नहीं चाहिए, इसके लिए रेसिपी चाहिए, रेसिपी आपके पास है, ठीक है ना जी? तो ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए और अपनी ट्रेन जर्नीज का मजा लीजिए और नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपके लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरी क्या है ट्रेन जर्नी की। हम वेटिंग। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।